म्यूजिक मजा आया। तो दोस्तों फाइनली कैसे हो आप सब, आई होप कि सब बढ़िया होंगे। दोस्तों फाइनली अभी उन्हें प्रीव्यू पर देख लिया, आज का वीडियो फ्रेंड्स कितना कड़क और शानदार था। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको कुछ इसी प्रकार का जो शानदार व्हाट्सअप स्टेटस वीडियो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, आप भी क्रिएट कर सकते हैं सिर्फ 2 मिनट में। तो दोस्तों इस तरह के स्टेटस क्रिएट करने के लिए वीडियो पर बने रहना, वीडियो को अंत तक देखना फ्रेंड्स, A to Z सेटिंग बताऊँगा और आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताते हैं, जो भी भाई मेरे चैनल पर नए नए विजिट किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। और दोस्तों एक बात जरूरी है कि वो आप मुझे कमेंट कर जरूर का इंट्रो कैसा लगा, आज जो मैंने नया इंट्रो ऐड किया हूं। तो चलो आज की वीडियो एडिटिंग हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल में काइन मास्टर को डाउनलोड को ओपन कर ले। तो ओपन करने के बाद उसका इंटरफेस है कुछ इस प्रकार का दिखेगा। दिखने के बाद तो सबसे पहले वो करेक्ट न्यू पे क्लिक करना है, नए रिसोर्स टीम सेलेक्ट करना है। नए रिसोर्स टीम सेलेक्ट हो जाने के बाद दोस्तों नीचे आना। नीचे आने के बाद मिलेगा इंपोर्ट प्रोजेक्ट का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना। इस पर जैसे फाइनली क्लिक करोगे फ्रेंड्स, ये आपको जो सॉन्ग बीट मार्क है आपको यहाँ से इंपोर्ट कर लेना। तो जैसे कि मैं आ जाता हूँ अपना फाइल मैनेजर पर, आ जाने के बाद दोस्तों मैं यहाँ से जो सॉन्ग बीट मार्क है मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं देख लो मेरा सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट कहाँ पर है, तो मैं थोड़ा स्लाइड करके देख लेता हूँ। तो ये रहा मेरा सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे क्लिक करोगे फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली आपको जो काइन मास्टर में इंपोर्ट कर देगा। इंपोर्ट कर देने के बाद इंटरफेस है कुछ इस प्रकार दिखेगा। देखने के बाद दोस्तों क्या करना, सबसे पहले को दोनों के मदद से जूम कर लेना। फाइनली जिस तरह मैं जूम कर रहा हूँ फिर इस तरह से जूम कर लेना। जूम हो जाने के बाद दोस्तों को सबसे पहले फर्स्ट दरवाजा जाना, इसको थोड़ा और मैं जूम कर लेता हूँ। फर्स्ट दरवाजा जाने के बाद फ्रेंड्स क्या करना, जो फर्स्ट ब्लैक का बैकग्राउंड इस पर क्लिक करना। ऊपर मीडिया का ऑप्शन दिखेगा दोस्तों, उस पर क्लिक कर देना है और अपना गैलरी से फोटो ऐड करना। जैसे कि मैं फोटो ऐड कर लेता हूँ, डन करना। फिर सेकंड फोटो पे जो ब्लैक का बैकग्राउंड है क्लिक करना। ऊपर मीडिया का ऑप्शन दिखेगा दोस्तों, उस पर क्लिक करना है और यहाँ से फिर से फोटो को फाइनली ऐड कर लेना है, डन करना है। तो दोस्तों को कुछ इस तरह से फोटो पहले को सात जो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड, सात ब्लैक कलर के बैकग्राउंड में आपको कोई छोटा साइज का फोटो फाइनली ऐड करना। कुछ इसी तरह से मैं जिस तरह को ऐड करके दिखा दे रहा हूँ, जो सात फोटो में फटाफट से ऐड कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं बताऊँगा कि इसमें कौन सा इफेक्ट मैं यूज करने वाला हूँ, अब कोई जो इफेक्ट मैं कैसे क्रिएट करना है। दोस्तों मैं अगर इफेक्ट उसमें क्रिएट करके दे देता हूँ बीट में प्रोजेक्ट में, तो किसी फोटो का साइज़ बड़ा रहता है, किसी का छोटा, तो अच्छा से एडजस्ट नहीं होता है। तो वो इसी तरह जो सात फोटो में सबसे पहले जो फोटो है मैं सबसे पहले फिल कर लेता हूँ। तो ये रहा मेरा सात फोटो में फ़ोटो फिल हो चुका है। हो जाने के बाद दोस्तों क्या करना, देखिए सात पे नहीं हुआ तो ये रहा इसमें मैं फिल कर देता हूँ। इसमें इफेक्ट आपको खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। फिर कैसे क्रिएट करना तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला था। वीडियो में बने रहना, वीडियो को अंत तक देखना। जैसे कि मैं यहाँ से फोटो फाइनली फिल कर लेता हूँ, साथ ब्लैक करके बैकग्राउंड, उसके बाद फर्स्ट तरफ आ जाना। आ जाने के बाद दोस्तों क्या करना होता है, तो फोटो फिल करना ही है। उसके बाद को यहाँ क्या करना, इफेक्ट ऐड करने के लिए देख लीजिए, जो फर्स्ट जो फोटो इस पर क्लिक करना, थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। या फिर एक ऑप्शन मिलेगा डुप्लीकेट या लेयर, इस पर वो क्लिक कर देना। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आज एक फोटो का डुप्लीकेट लेयर बन जाएगा। हो जाने के बाद उसके घींच के कुछ इस तरह को बड़ा कर लेना। जैसे फाइनली मैं तो अपने हिसाब से को इतना बड़ा कर लेना। बड़ा हो जाने के बाद दोस्तों ऐसे इफेक्ट को खुद से क्रिएट करना सीख लीजिए। इसको क्या करना, कुछ तरह स्लाइड करके इधर रख लेना साइड में, मतलब इधर एकदम लास्ट पोजीशन में रख लेना यहाँ तक। जैसे कि देखिए मेरा फोटो खत्म हो रहा तो मैं यहाँ तक रख लेता हूँ। रख लेने के बाद फर्स्ट तरफ को रहना, जो ऊपर में देख लिया जो की का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना। जैसे पर क्लिक कर देगा फिर उसके बाद क्या करना, आपको एक दो पॉइंट को आगे ले आना फोटो को कुछ इस तरह से घींच के। जैसे कि मैं एक दो पॉइंट आगे ले आता हूँ, एक दो पॉइंट नहीं लाना था या इसको 50-60 पॉइंट आगे ले आना कुछ इस तरह से। ले आने के बाद दोस्तों क्या करना है, उसके बाद इसको थोड़ा इस तरह से स्लाइड करके यहाँ तक रख लेना है। रख लेने के बाद दोस्तों वो कुछ इस तरह से यहाँ तो फोटो के लास्ट तरफ आ जाना। इसको धीरे धीरे हल्का स्लाइड करके इसको जो ना बीचों बीच एडजस्ट कर लो अपने हिसाब से, वो डन कर देना। इसमें क्या होगा, फोटो में फिर कुछ इस तरह का जो इफेक्ट ऐड होकर दिखेगा। फिर से फ्रेंड्स क्या करना है, एक फोटो में जैसे इफेक्ट ऐड कर दिए, उसके बाद सबको जो छः फोटो रह चुका है तो वो दो दो फोटो में से एक ही जैसा इफेक्ट ऐड करना। जैसे कि मैं वो दिखा दे रहा हूँ, जब सेकंड फोटो पे क्लिक करता हूँ अपना थ्री डॉट पे जाना, डुप्लीकेट लेयर बना लेना। इसको भी घींच के दोस्तों कुछ इस तरह से बड़ा कर लेना, फाइनली इतना बड़ा कर लेना मतलब अपने हिसाब से। और इसको मैं इस बार इधर स्लाइड करके इधर रख देता हूँ,
जैसे कि मैं यहाँ इसको रख लेता हूँ दोस्तों, फर्स्ट दरवाजे तो फोटो मेरा है स्टार्ट पोज में। जो उसके बाद जो चाबी का ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, की का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसमें आपको यही है 10, 15, 50, 60 पॉइंट कुछ इस तरह से इंक्रीज कर लेना है। इसको कुछ इस तरह से वो घींच के ला के दोस्तों यहाँ एडजस्ट कर लेना इतना में। उसके बाद फोटो के लास्ट पोजिशन पर आ जाना आपको, इसको हल्का स्लाइड कर देना कुछ इस तरह से। बस फ्रेंड्स आपका फोटो में इफेक्ट ऐड हो चुका है। तो इसी तरह से दो फोटो में को एक साइड से ही स्लाइड करके ऐड करना है। जैसे कि मैं डुप्लीकेट लेयर बना लेता हूं दोस्तों, इसको भी घींच के मैं बड़ा कर लेता हूं कुछ इस तरह से। इसको भी मैं कुछ इस तरह स्लाइड करके यहाँ तक रख लेता हूँ। रख लेने के बाद दोस्तों क्या करना है, फेस में की ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, थोड़ा स्लाइड कर लेता हूँ यही को 50-60 पॉइंट तक। उसके बाद इसको मैं थोड़ा स्लाइड करके यहाँ इतना इतना पे रख कर लेता हूँ फ्रेंड्स। इतना पे रख लेने के बाद मैं इधर लास्ट पोजीशन में आ जाता हूँ इस फोटो का। इसको मैं हल्का फिर से स्लाइड करके बीचों बीच एडजस्ट अपने हिसाब से कर लेता हूँ। तो दोस्तों देखो मेरा फोटो में इसमें देखो दोनों इफेक्ट जो एक ही जैसा ऐड होकर दिखा कुछ इस तरह से। फिर से फ्रेंड्स इस बार को इधर से स्लाइड करना, तो फोटो पर क्लिक करना, डुप्लीकेट लेयर बना लेना दोस्तों, इसको भी खींच के कुछ इस तरह से बड़ा कर लेना। इस पर आपको इस इधर से इस साइड से आपको को स्लाइड करना, जैसे कि मैं यहाँ रख लेता हूँ फर्स्ट आ जाता हूँ, की को ऑप्शन पे क्लिक करना है, 50-60 पॉइंट थोड़ा आगे आ जाना है। फिर से वो घींच के कुछ इस तरह से यहाँ तक रख लेना है। उसके बाद लास्ट तरफ आ जाना दोस्तों, और उसको हल्का इधर स्लाइड करके बीचों बीच एडजस्ट कर देना है। तो फिर दो फोटो इधर से एडजस्ट करना है, फिर दो फोटो को इधर से एडजस्ट करना है। तो इसी तरह से अपने इफेक्ट ऐड कर लेना है यहाँ से कुछ, ये जो बोले थे आपको 7 फोटो में। उसके बाद देखिए तो जो ब्लैक का बैकग्राउंड आ रहा है, क्लिक करना ऊपर मीडिया का ऑप्शन दिखेगा दोस्तों, क्लिक करना है और यहाँ से फाइनली को फोटो फिल कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ से फोटो फिल कर देता हूँ, अभी तक जितना ब्लैक का बैकग्राउंड सब फोटो फिल कर लेना फिर। उसके बाद देखिए रेड कलर का बैकग्राउंड आ रहा है, इस पर क्लिक करना, ऊपर मीडिया का ऑप्शन दिखेगा उस पर क्लिक कर देना है। फाइनली क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ से क्या करना है, यहाँ से वीडियो आपको क्लिप ऐड करना। तो ये रहा वीडियो क्लिप, मैं इसको यहाँ से ऐड कर देता हूँ। उसके बाद देखिए रेड का सॉरी जो ब्लैक का बैकग्राउंड आ रहा है, इसमें वो फोटो फिल फटाफट से कर लेना। तो चलो दोस्तों जो फोटो फटाफट से फिल कर देता हूँ, उसके बाद बताऊँगा इफेक्ट कैसे ऐड करना है। सो दोस्तों देखो मैंने फोटो सॉन्ग के लास्ट तक फिल कर लिया, उसके बाद डन करना है। उसका फर्स्ट दरवाजा ना दोस्तों देखिए इधर मैंने इफेक्ट ऐड करके दिखा दिया, तो जिस तरह मैं बताया उसी तरह से देखो मैंने इधर भी इफेक्ट ऐड कर लिया। प्लस इफेक्ट ऐड हो जाने के बाद क्या करना, 7 फोटो में उसके बाद जो फोटो आ रहा है प्लस इसमें इफेक्ट ऐड नहीं थे, इफेक्ट ऐड करना तो फोटो पे क्लिक करना आपको, कैलीग्राफी का ऑप्शन पे क्लिक करना, इसको नीचे आना। नीचे आने के बाद तुम्हें इन एनिमेशन का ऑप्शन पे क्लिक करना, थोड़ा नीचे आना। नीचे आने के बाद जो 13 नंबर इफेक्ट इसको ऐड करना, डन करना दोस्तों। फिर सेकंड फोटो पे क्लिक करना, कैलीग्राफी पे जाना, उसको नीचे आना और फिर से वो जाना इन एनिमेशन का ऑप्शन पे, और यहाँ से फिर से 13 नंबर इफेक्ट इसको ऐड करना है। ये जो इन एनिमेशन का 13 नंबर इफेक्ट है फ्रेंड्स, यहाँ से कुछ कुछ इतना फोटो में ऐड करना, 6 सेकंड तक ऐड कर लेना। उसके बाद वीडियो क्लिप है दोस्तों, कुछ नहीं करना, थोड़ा आगे आ जाना। वीडियो क्लिप स्किप हो जाने के बाद उसके बाद जो फोटो है क्लिक करना, कैलीग्राफी पे जाना, उसको नीचे जाना इन एनिमेशन का ऑप्शन पे और नीचे आ जाना दोस्तों। नीचे आने के बाद जो इन एनिमेशन का 33 वाला इफेक्ट ऐड करना है। ये जो इन एनिमेशन का 33 वाला इफेक्ट है फ्रेंड्स, आपका जो फोटो है सॉन्ग के लास्ट तक वो ऐड कर लेना फोटो में इस तरह का इफेक्ट। अगर इस तरह से ऐड करते हो फिर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आपका जो स्टेटस फ्रेंड्स यूट्यूब पर धमाल मचा देगा और आपका जो वीडियोज फ्रेंड्स वायरल हो सकता है। तो दोस्तों फटाफट से क्रिएट कीजिए, लिंक का वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं जितना भी मटेरियल यूज करता हूँ सबको डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से 2 मिनट में, और अब इस तरह का जो स्टेटस है फटाफट से क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों देर की इस बात की जाइए, लिंक पे डाउनलोड कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। और इस तरह से और भी वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर नए नए विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। मैं आपको इस चैनल पे इस तरह का जो न्यू डीजे व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेके आते रहते हो सर, डाउनलोड करके क्रिएट कर सकते हैं। पूरा इफेक्ट ऐड कर लेना दोस्तों, इधर सॉन्ग के लास्ट तक ऐड हो जाने के बाद जो एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर लेना और जितना एचडी में वीडियो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू।